आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे WooCommerce का प्लगइन, इसकी तमाम सेटिंग्स, इसकी इंस्टॉलेशंस, उसके बाद इसमें प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, कैटेगरीज कैसे बनती हैं, तमाम चीज़ें हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपना प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं। इस तरह से प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसे एक्टिवेट करेंगे। अभी हम अपने प्लगइन को लोकेट करेंगे। ये आ गया हमारा प्लगइन इंस्टॉलेशन के बाद, यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो अगर हम चाहें तो सेटिंग में यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पर जाके यहाँ से भी जा सकते हैं, दोनों तरफ से हम सेटिंग्स में जा सकते हैं। हमने इसको अब सेटअप करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जनरल सेटिंग्स। इसमें आपके क्लाइंट्स का बिजनेस का एड्रेस जो है ना, वो हम एंटर करेंगे। अभी मेरे कंप्यूटर के बीच में कुछ डाटा आ रहा है, पिछली बार जो मैंने फिल किया था किसी क्लाइंट के लिए, वो सारा मैं यहाँ पे अभी उठा रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ आपको आपका क्लाइंट बताएगा कि उसने किस जोन में सेल करनी है। अक्सर ये होता है कि अब मेरे पास यूके का क्लाइंट है, तो क्लाइंट कहता है मैं सिर्फ यूके में सेल करना चाहता हूँ, आउटसाइड यूके मेरी सर्विस नहीं है। यूरोप का क्लाइंट आता है, वो कहता है मैं विद इन द यूरोप रीजन में सेल करना चाहता हूँ, ईयू के अंदर, तो आप सिर्फ यूरोप जोन उसके लिए सेलेक्ट करते हैं। अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड करना चाहता हूँ, तो ये आपको आपका क्लाइंट पूछने पर बता देता है। अभी मैं ऑल कंट्रीज़ कर रहा हूँ, शिपिंग लोकेशन भी सेम है। आपका क्लाइंट बताएगा कि वो कितने कंट्रीज़ में शिपिंग सर्विस दे सकता है, ये आप क्लाइंट से पूछेंगे। अभी ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस शॉप बेस भी हो सकता है, जियो लोकेट भी बता देता हूँ, जियो लोकेट विद कैश सपोर्ट भी बता देता हूँ। जियो लोकेट इस तरह से है कि एक बंदे ने हमारी वेबसाइट खोली, उसने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कार्ट किया, तो उसकी जो डिवाइस की लोकेशन है उसके आईपी एड्रेस के मुताबिक उस लोकेशन को हमारी वेबसाइट यानी कि हमारा WooCommerce का प्लगइन डिटेक्ट कर लेगा। अब हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसका कंट्री और सिटी पता चल जाएगा, तो उसके मुताबिक उसका रेट जो शिपिंग का बनता है, जो हम शिपिंग बनाएंगे, वो कैलकुलेट होके उसको दिखाई दे जाएगा। ये इसलिए है, फ़िलहाल मैं जियो लोकेट पर रखता हूँ क्योंकि आगे मैंने आपको इसके बारे में मज़ीद चीज़ें सिखानी है। आप चाहें, क्योंकि हर कस्टमर तो आपका शॉप बेस्ड नहीं होता ना, कुछ डोमेस्टिक कस्टमर्स भी आपके होते हैं, तो आप फ़िलहाल जियो लोकेट पर रख लें। आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि उस वो टैक्सेस चार्ज कर रहा है या नहीं, जिसको वैट कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, तो फिलहाल हम इसको छोड़ रहे हैं। अगर वो चार्ज कर रहा है तो यूके में 20% होता है, यूरोप में अक्सर 20% होता है, तो वो परसेंटेज आपको बता देगा, फिर बाद में आप इसमें परसेंटेज लगाएंगे। इस तरह से अंदर आगे सेटिंग आ जाएगी उसकी। कूपन्स ये हैं। अब कूपन क्या है, डिस्काउंट कूपन्स होते हैं ये, कि जब मैंने फ़र्ज़ करें किसी वेबसाइट से परचेज़ की, तो उस वेबसाइट ने मुझे दे दिया कूपन के नेक्स्ट बार जब विज़िट करोगे तो तुम्हें 20% ऑफ होगा, और ये कूपन संभाल के रख लो, हम तुम्हें ईमेल करते हैं कूपन। नेक्स्ट बार जब मैं परचेज़ करने आऊँगा तो मैं अपना कूपन कोड डालूँगा तो मेरा 20% डिटक्ट हो जाएगा। ये है कूपन, मैं इसको भी इनेबल ही रहने देता हूँ, आप ख़त्म भी कर सकते हैं। ये भी आप खुद पढ़ लीजिएगा। आगे चलता हूँ मैं करेंसी ऑप्शंस। फिलहाल तो मैंने अगर साइप्रस पे किया हुआ था तो साइप्रस में यूरो चलता है,
यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूरो। इस पहली सेटिंग को मैं सेव कर देता हूँ, जनरल सेटिंग को। इस तरह से ये सारी सेटिंग्स हमने देखनी है इस सीरीज में। प्रोडक्ट सेटिंग में जाते हैं। अब इसमें ना ये सब हेड्स हैं, ये भी हमने देखने हैं। अब ये देखें, जियोलोकेट हैज़ नॉट बीन कन्फिगर्ड। वो आगे जाके हमारा इंटीग्रेशन के वाले में जाके वो जियोलोकेट कन्फिगर होगा। अभी हम ऐसे चलते जाएंगे। प्रोडक्ट की जनरल सेटिंग्स के अंदर शॉप पेज शॉप आपको कुछ चीज़ें बतानी है मैंने, कि जब हम वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास पेजेस ऑटोमेटिकली कौन से क्रिएट होकर आते हैं। आपके पास सबसे पहले शॉप पेज आता है, आप देख लें इसके आगे शॉप पेज लिखा है। आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी पेज आता है वूकॉमर्स की तरफ से, माय अकाउंट पेज, चेकआउट एंड कार्ट पेज। ये चार पांच पेज आपके पास आ जाते हैं। तीन ये हैं, चौथा ये है, पांचवा ये है। पांच पेजेस लाजमी आते हैं। इन केस आपके पास अक्सर ये होता है कि इंस्टॉलेशन की और पेजेस नहीं आए। मैं पेजेस डिलीट करने जा रहा हूँ ताकि मैं आपको सिखा चुक सकूँ। आपने अगर इंस्टॉलेशन की है और आपके पास पेजेस नहीं आए और आपकी पेजेस के अंदर ये चीज़ मिसिंग है, आपके पेजेस, तब आप क्या करेंगे? अब आपने ये करना है, फ़र्ज़ करें आपके पास वूकॉमर्स के पांच पेजेस नहीं आए। आपने करना ये है, वूकॉमर्स में जाना है, उसके बाद आपने स्टेटस में जाना है, स्टेटस में जाने के बाद आपने टूल्स में जाना है। अब यहाँ से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपने एक चीज़ ढूंढनी है, ये चीज़ क्रिएट पेजेस। इसके पीछे लिखा है क्रिएट डिफ़ॉल्ट वूकॉमर्स पेजेस। ये खुद से अब एक क्लिक के साथ बना देगा हमारे लिए। पेजेस बन चुके हैं। अब मैं पेजेस को विजिट करने जा रहा हूँ। कार्ट पेज, चेकआउट, माय अकाउंट, शॉप पेज, प्राइवेसी पॉलिसी इसमें नहीं है, एक दो तीन, एक दो तीन, चार पेजेस आ गए हमारे। वापस चलते हैं अपने वूकॉमर्स की सेटिंग्स पर। तो शॉप को कौन सा पेज देना है, यानी कि मैं आपको अगर वेबसाइट विज़िट करवाऊँ, मेरे पास इस वक्त यहाँ पर ये छोटा सा मेन्यू है, इस मेन्यू में शॉप है मेरे पास। अब ये जो शॉप लिखा है इसके पीछे कौन सा पेज काम करे, कौन सा पेज हमारी शॉप हो, वो हमने इसको अपने प्लगइन को बताना है वूकॉमर्स के। तो आपने अगर ये नहीं सिलेक्टेड, फ़र्ज़ करें कुछ भी यहाँ सिलेक्टेड है या कुछ भी नहीं सिलेक्टेड, तो आपने शॉप पेज को शॉप पेज देना है। आगे बढ़ते हैं। ये एजेक्स क्या होता है, जिस चीज़ के साथ भी एजेक्स आता है वो बिना पेज को यहाँ से रिफ्रेश किए, पूरा इंटायर पेज को रिफ्रेश किए बिना पेज का छोटा सा पोर्शन रिफ्रेश होके आपको अपडेट्स दे देता है। जैसे कि अगर मैं आपको मिसाल दूँ, मेरे पास कार्ट है, उसमें एक आइटम है, जब मैं सेकंड आइटम कार्ट में ऐड करता हूँ तो मेरा पूरा पेज यहाँ से रिफ्रेश होके पूरा पेज लोड नहीं होता, मेरी सिर्फ कार्ड का छोटा सा ऐसे सेक्शन वो दोबारा से लोड होता है और उसमें अपडेट आ जाती है। अब मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, इनकी टोटल प्राइस ये है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एजेक्स का फंक्शन होता है, तो ये हमने इनेबल रखना है। आगे चलते हैं। वेट आप किलोग्राम्स में रखेंगे क्योंकि आपने देनी होती है शिपमेंट, और ये फ़िलहाल डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादातर सेंटीमीटर्स ही चल जाता है, क्योंकि बॉक्सेस में अगर चीज़ जाती है तो उसका बॉक्स का साइज़ होता है इन सेंटीमीटर्स। अक्सर लोग मिलीमीटर्स में भी मेजर करते हैं, ये आपका क्लाइंट आपको बता देगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम अपनी वेबसाइट पर नहीं चाहते कि लोग आकर स्पैम कमेंट्स छोड़ें, तो उसी तरह से
अक्सर ये होता है कि आपने नई वेबसाइट बनाई, आपने सेल्स की, आपका कस्टमर हैप्पी नहीं है और वो आके अगर नेगेटिव फीडबैक छोड़ देता है, इसके साथ स्टार्स भी होते हैं, फीडबैक सिर्फ नहीं होती, दोनों होते हैं, तो वही चीज़ फिर गूगल भी इस डिस्प्ले करता है अपने सर्च रिजल्ट्स में जब SEO हुई भी होती है, तो उसका आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं आपको बाद में ये ऑप्शन बता दूंगा इनेबल करके भी, अभी हम इसको डिसेबल रखेंगे, ये वाली सेटिंग हम सेव करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इन्वेंट्री सेटिंग्स आती है प्रोडक्ट के अंदर, स्टॉक मैनेजमेंट। अब ये क्या है, एक चीज़ होती है स्टॉक मैनेजमेंट एट प्रोडक्ट लेवल, एक चीज़ दूसरी होती है स्टॉक मैनेजमेंट एट वेरिएशन लेवल। तो हम अपने प्लगइन को बताते हैं कि तुमने मेरे लिए स्टॉक मैनेजमेंट का सिस्टम इनेबल रखना है ताकि मैं वेरिएशन लेवल पर भी अपनी स्टॉक मैनेज कर सकूं और प्रोडक्ट लेवल पर भी। ये आगे इसी वीडियो में, आगे जब हम प्रोडक्ट बना रहे होंगे वेरिएबल प्रोडक्ट, ये चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी, अभी आपके लिए सिर्फ ये नाम भी काफ़ी है। ये बताता हूँ, फ़र्ज़ करें एक शख्स ने एक आइटम कार्ट में ऐड किया, वेबसाइट उसने बंद कर दी, चला गया किसी काम से, ऑफलाइन हो गया, कुछ हो गया, वेबसाइट कितनी देर उसका आइटम कार्ट में अपने पास लोड रखेगी, उसके बाद ज़ाया कर देगी। तो यहाँ से वो मिनट्स आपने देने हैं, जितने आप चाहें उतने मिनट्स आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर उसको लिखा आएगा कि योर सेशन हैज़ एक्सपायर्ड, लो स्टॉक नोटिफिकेशन एडमिन को चाहिए होता है, ये भी चाहिए होता है, ये शायद ये वेबसाइट पर भी आते होंगे। अब नोटिफिकेशन किस ईमेल एड्रेस पर आपके एडमिन को मिले, ये वो ईमेल एड्रेस है। लो स्टॉक थ्रेशोल्ड ये है, जब स्टॉक में दो आइटम्स रह जाएंगे तो उसने हमें वार्निंग मैसेज नोटिफिकेशन दे देना। इसका ये है कि वेबसाइट के ऊपर शॉप के अंदर अक्सर लिखा आता है कि ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, उसको आउट ऑफ स्टॉक आइटम को कैटलॉग से हाइड कर देते हैं। कैटलॉग दरअसल शॉप को कहते हैं, जो फैशन इंडस्ट्री है वो अपने शॉप को कैटलॉग कहती है, या फिर जो फैशन के ऊपर मैगज़ीन निकलती है उस मैगज़ीन को भी कैटलॉग कहते हैं। तो अगर आपको क्लाइंट आकर आपको कहता है कि मैंने कैटलॉग वेबसाइट बनानी है, तो इसका मतलब है आपके क्लाइंट ने फैशन के प्रोडक्ट्स के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो आप इस तरह से उसको बना कर देंगे। आप फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें, आप चाहे तो आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स को शॉप में से ही हटा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी सेटिंग्स पर, आप क्या सेटिंग्स रखते हैं। आगे चलते हैं, हम आ गया हमारे पास डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जैसे कि हम DVDs सेल कर रहे हैं, गेम्स की या म्यूज़िक की या किसी भी तरह की, तो जैसे अमेज़ोन पर होता है, लोग वहाँ से परचेज़ करते हैं और फिर उनको लिंक मिलता है तो वो ओरिजिनल DVD डाउनलोड कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। तो ये डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स वो हैं, ये उनकी सेटिंग है, ठीक है। डाउनलोड रिक्वायर्ड लॉग इन, ये आपने खुद देख लेनी है, ये ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी शिपिंग सेटिंग्स। शिपिंग के अंदर हमारे पास शिपिंग जोन्स, शिपिंग के ऑप्शंस और शिपिंग क्लासेस है। इसमें हमारे पास शिपिंग जोन्स एंड शिपिंग क्लासेस, ये दो चीज़ें ज़्यादा डिस्कस होती हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा क्लाइंट की वेबसाइट से, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम शिपिंग जोन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा शिपिंग जोन क्या होता है। फ़र्ज करें ये एक ज्योग्राफिकल रीजन होता है, उसे हम
शिपिंग जोन कहते हैं, जैसे कि यूरोप एक जोन है, यूएस एक ये जोन है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक जोन हो जाएगा पूरे का पूरा। अब इसके अंदर मुख्तलिफ शिपिंग मेथड्स होते हैं, शिपिंग जोन और शिपिंग मेथड इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शिपिंग जोन में इसने हमें मिसाल के तौर पर बताया है कि कैलिफोर्निया उसने दिया लोकल जोन के तौर पर, और उसमें जो मेथड उसने दिया है वो लोकल पिकअप, क्योंकि वो लोकल पड़ता है तो वो कह रहा है खुद आके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन डोमेस्टिक यानी कि मुल्क के अंदर ही अगर आप भेजें यूएस के अंदर तो वो फ्लैट रेट शिपिंग चार्ज करेगा। फ्लैट रेट शिपिंग से मुराद है फिक्स चार्जेस, चाहे आपका सामान जितना भी हो चार्जेस सेम रहेंगे। यूरोप के लिए, यूरोप के जितने भी जोन में कंट्रीज़ आते हैं 22-23 कंट्रीज़, उन सब कंट्रीज़ के लिए फ्लैट रेट होगा चाहे वो जितना भी दूर पड़े। तो ये इस तरह से इसने शिपिंग मेथड्स और शिपिंग ये जोन है ये मेथड है यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। अब मैं इनको बनाने जा रहा हूँ, ऐड करूँगा। अब देखिए नेम जो मैं चाहूँ लिख सकता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं क्लाइंट की वेबसाइट से आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ। मैंने इसको ओपन किया हुआ है, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, वहाँ उसकी फरमाइश पे मैंने लिखा था फ्री शिपिंग 15-25 डेज नेम में ना, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, ये सिर्फ हम ही देख पाएंगे, वर्ल्ड वाइड फ्री, ये हमारा जोन का नेम है। अब जोन में रीजन्स देने होते हैं, और सेव का बटन अभी तक है तो मैं रीजन्स नहीं दे रहा। मैंने शिपिंग के मेथड वर्ल्ड वाइड एक ही बना रहा हूँ जिसमें मैं वर्ल्ड वाइड शिपिंग दे रहा हूँ, तो उसमें अब शिपिंग मेथड्स मैंने डिसाइड करने हैं। सबसे पहले मैंने फ्री शिपिंग देनी है, फ्री शिपिंग मैंने दे दी। अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ फ्लैट रेट, दो फ़िलहाल मैं करने जा रहा हूँ। अभी मेरा सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा इसकी वजह से, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करूँगा, सेव का ऑप्शन आ गया, इसको कैंसिल करूँगा। अब मैं सेव कर दूँगा, इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि ये तमाम मुल्क सेलेक्ट हो जाएंगे खुद ब खुद। अब मैं वापस जाऊँगा शिपिंग पे, ऐसे क्लिक करूँगा, मेरी शिपिंग जोन बन चुका है, एवरीवेयर लिखा भी आ रहा है। इसी तरह हमने बनाया था इस क्लाइंट का, कोई कंट्री सेलेक्ट नहीं किया था, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद उसको ख़त्म कर दिया था, फिर सेव कर दिया था, ये नेम दे दिया, यहाँ से एवरीवेयर हो गया वर्ल्ड वाइड के लिए। ये चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे, इनका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ देखें तो शिपिंग मेथड्स दो हमने सेलेक्ट किए, फ्री शिपिंग एंड फ्लैट रेट। जब हम क्लाइंट की वेबसाइट पर जाते हैं तो फ्लैट रेट के बाद आपको ये कस्टम टेक्स्ट नज़र आ रहा है कि उसने मुझे बोला था DHL 3-4 डेज डिलीवरी वर्ल्ड वाइड में देना चाहता हूँ, तो मुझे ये वेबसाइट के अंदर चेंजेस करके दो, ये टेक्स्ट मेरा लिखा आए। अब इसकी मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूँ, यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। मैं सबसे पहले जाऊँगा इसकी वेबसाइट के ऊपर, मैंने इसकी वेबसाइट पर जाने के बाद एक आइटम को ऐड टू कार्ट करना है, ये वाला आसानी से हो जाएगा। आइटम कार्ट में चला गया, मैं व्यू कार्ट करूँगा, गुड हो गया। देखिए मेरी कार्ट में दो आइटम्स हैं, नीचे जाता हूँ, मुझे ये बता रहा है शिपिंग के मेथड्स, फ्री शिपिंग 15-25 डेज लिखा आ रहा है। हम इसके शिपिंग मेथड्स को देखते हैं, इसने क्या लिखे थे, फ्री शिपिंग 15-25 डेज। ये जो जोन का नेम है, ये जोन नेम आपका एंड यूज़र देख पाएगा, जो मैंने भी आपको बताया था कि नहीं देख पाएगा, लेकिन ये देख पाता है, फ्री शिपिंग 15-25 डेज। जो आप नाम यहाँ लिखेंगे वो डिस्प्ले करेगा पहले ऑप्शन पर। अब फ़र्ज़ करें आपके पास, मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ आपको चीज़ समझाने के लिए, मैं अपनी वेबसाइट पे एक ऑप्शन रख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि दूसरा ऑप्शन कैसे ऐड होता है बाद में।
तो उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ, इसमें एडिट करता हूँ और शिपिंग मेथड्स में से मैं एक को फिलहाल डिलीट ही रख रहा हूँ। हम कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा, उसको हम ऐड टू कार्ट करेंगे। ये देखें आप, इस वेबसाइट पे ये जोन का नेम आ गया, दूसरे पे उसने लिखा था फ्लैट रेट, यहाँ तक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये क्लाइंट के लिए मैंने लिखा था इतना। ये मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये चेंजेस वेबसाइट में परमानेंटली हमने कैसे लाई, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले जब मेरा सिलेक्ट हो गया, मैंने क्लिक कर दिया था, उससे पहले हम एक आरजी तौर पे एक प्रोडक्ट बनाते हैं जल्दी से अपनी वेबसाइट पर। यहाँ लेफ्ट साइड से हम प्रोडक्ट्स एंड ऐड न्यू पे जा रहे हैं, कोई तस्वीर नहीं लगा रहे, कुछ नहीं, सिर्फ हमने प्रोडक्ट क्रिएट करना है, डमी प्रोडक्ट, ताकि हम प्राइस उसको कर सकें। प्रोडक्ट वन, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ सॉरी मैं शायद क्लाइंट की वेबसाइट पे बना रहा हूँ प्रोडक्ट गलती से, मुझे वापस जाना पड़ेगा यहाँ। और मुझे मैंने फ्लैट रेट उसका डिलीट कर दिया क्लाइंट का गलती से, सॉरी, मैं ये फिक्स कर लूँ, फिर मैं आता हूँ वापस वीडियो में। अपनी वेबसाइट से हम फ्लैट रेट को डिलीट करने जा रहे हैं, ये डिलीट हो चुका, सेव चेंजेस करेंगे। अभी हमने एक आरजी प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट ऐड न्यू, प्रोडक्ट वन, कोई कैटेगरी दे दें, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है, रेगुलर प्राइस इसकी, मैं कुछ भी दे देता हूँ। और मैं इस प्रोडक्ट को फ़िलहाल पब्लिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए जल्दी से। अब मैं जाता हूँ अपनी शॉप पर, चेक करना पड़ेगा। प्रोडक्ट वन है, कैटेगरी उसको दी हुई है, प्रोडक्ट वन बूट्स, मुझे ज़्यादा कैटेगरीज जल्दी से लगानी पड़ेंगी ताकि कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाए, इसको जल्दी से डिस्प्ले करने की कोशिश में हूँ। नहीं आ रहा, हमने अपना शॉप पे चेक करना है कि कौन सा लगा हुआ है। हमने मसला डायग्नोस कर लिया, हमें वो कॉमर्स में जाना है, उसके बाद हमने सेटिंग्स में जाना है, प्रोडक्ट सेटिंग्स में जाना है। मैंने जो पेजेस डिलीट किए थे तो उसकी वजह से शॉप पेज को पेज डेजिग्नेट नहीं था, अभी हम डेजिग्नेट कर रहे हैं पेजेस को, उसके बाद हम सेव कर देंगे और शॉप पर जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा, लाजमी होगा। अब इस प्रोडक्ट को मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ जल्दी से, व्यू कार्ट कर रहा हूँ। देखिए अभी आप ऑप्शंस, शिपिंग, फ्री शिपिंग, शिपिंग टू यूनाइटेड किंगडम यूके, चेंज एड्रेस 89.99, प्रोसीड। अब यहाँ फ्री शिपिंग का सिर्फ मेरे पास ऑप्शन है, अगर मैं इसके साथ टेक्स्ट लिखूँ अपने क्लाइंट की तरह, जैसे मेरा क्लाइंट कह रहा था कि 15 to 25 days free shipping for
फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये टेक्स्ट मैं कैसे चेंज करूँगा। मैं जाऊँगा अपने शिपिंग में, शिपिंग के बाद इस जोन को मैं एडिट करूँगा जो मैंने बनाया था, उसके अंदर मैंने मेथड फ्री शिपिंग लगाया था उसको एडिट करूँगा। इसका मैं नाम बदलने की कोशिश करूँगा और उसके चेंजेस देखूँगा कि उसकी क्या रिफ्लेक्शन आ रही है। ये हो चुका है मेरे ख्याल से, अभी मैं जा रहा हूँ इसको रिफ्रेश करने। वेल डन, ये हो चुका। इस तरह से हम टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारा क्लाइंट डिमांड करेगा। अब हम यहाँ एक और शिपिंग मेथड देना चाह रहे हैं, दूसरा शिपिंग मेथड, जैसे कि हमारे इस क्लाइंट ने दिए हुए हैं दो शिपिंग मेथड्स। तो ये इस तरह से होंगे, हम दोबारा शिपिंग में जाएंगे, एडिट करेंगे जोन को, मेथड ऐड करेंगे फ्लैट रेट, पहले ये ऐड होगा। अब चाहे तो इसका टेक्स्ट बदल लें, फ्लैट रेट DHL 3-4 days, ये मैंने जैसे अपने क्लाइंट के लिए किया था। ये नॉन टैक्सेबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टैक्सेबल है तो वो आपको बता देगा। अभी हमने पाउंड्स यूरो में कॉस्ट रखी हुई है, तो यूरोज़ में आप 20 यूरो रख दें। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं, DHL 3-4 days, एडिशनल आइटम का यहाँ फार्मूला होता है पूरा, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इसको लिखने का एक पूरा तरीका है, एंट्री कॉस्ट एक्सक्लूडिंग टैक्स और सम, 10 क्वांटिटी, ये बीच में इस्टेरिक हमने डालना है। अभी एडिशनल प्रोडक्ट फर्ज करो 5, इस्टेरिक क्वांटिटी लिखने का हम देख लेते हैं, ये हमारे ब्रैकेट्स के अंदर QTY लिखना हमने, QTY, ये इसका फार्मूला लगा दिया कि पहला आइटम 20 में जाएगा, एवरी एडिशनल आइटम विल कॉस्ट 5 यूरो एक्स्ट्रा, ये हमारा फार्मूला मैंने लगा दिया। इसको आप लगा दें पर क्लास रीऑर्डर, बस इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अभी मैं इसके चेंजेस देखता हूँ क्या आते हैं। यहाँ पर मैं पेज रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, गुड। शिपिंग के अंदर मेरे पास आ रही है फ्री शिपिंग 50-25 days, फ्लैट रेट DHL 3-4 days 20। अगर मेरा एडिशनल आइटम अब मैं ऐड करने जाऊँ, मेरे पास आइटम ही एक है, मैं एक आइटम और बनाता हूँ और वापस आता हूँ। मैं जा रहा हूँ वापस यहाँ और फिर मैं पैनल में जाके प्रोडक्ट्स में जाकर डुप्लीकेट कर देता हूँ। मैं जल्दी से करना चाह रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए। पब्लिश कर देता हूँ, प्रोडक्ट बन चुका। अब मैं शॉप विजिट करूंगा, इसको भी मैं ऐड टू कार्ट करूंगा। अब मैं व्यू कार्ट करूंगा, गुड, दो प्रोडक्ट्स। इसको हमें चेक करना पड़ेगा, प्राइस क्वांटिटी, ये फॉर्मूला हमें बाद में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ये फार्मूला एडिशनल आइटम वाला हमने चेक करना है क्योंकि ये फार्मूला मेरा काम कर नहीं रहा। ये फार्मूला बना के मैंने लगाना है। फिलहाल हमने इतना सीखा है कि हम शिपिंग का जोन और उसके अंदर शिपिंग मेथड्स कैसे ऐड करेंगे। आगे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये चीज़ हम एक चीज़ हमने बाद में डिस्कस करनी है कि किस तरह से एडिशनल आइटम की हम शिपिंग को लगाएंगे।
सेटिंग्स, शिपिंग, शिपिंग के अंदर हमने जोन डिस्कस कर लिया, शिपिंग मेथड्स डिस्कस कर लिए, दो चीज़ें डिस्कस हो गई, ये रह गया लोकेशंस नॉट कवर्ड बाय योर अदर जोन्स। अभी होता ये है कि जब आप एक बना लेते हैं ना, हमने तो एवरीवेयर लगा दिया ना, अक्सर होता ये है कि आपने एक जोन सेट कर लिया जिसके अंदर आपने सेल करनी है, तो दूसरे जोन्स की पॉलिसी आप यहाँ से उसके मेथड्स भी डिफाइन कर लेते हैं। आप चाहें तो जोन सा मर्जी यहाँ से उसको मेथड सिर्फ देना है आपने, ये आप कर लेंगे। अब मैं आगे जा रहा हूँ शिपिंग ऑप्शंस पर। कैलकुलेशंस, इनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज, ये बेहतर है। जैसे जैसे आइटम्स ऐड होते जाएंगे तो कार्ट पेज पर ही शिपिंग कैलकुलेट होती जाएगी। हाइड शिपिंग कॉस्ट अनटिल द एड्रेस इज अनएंटर्ड, ये बेहतर होता है कि अगर आप जियो लोकेट नहीं कर रहे, आप उसके आईपी एड्रेस से उसकी लोकेशन नहीं ले रहे, तो फिर आपके लिए बेहतर ये होता है कि वो एंटर करता है एड्रेस तो आप उसकी लोकेशन ले लेते हैं। डेस्टिनेशन डिफ़ॉल्ट कस्टमर शिपिंग बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस में फ़र्क ये है कि बिलिंग एड्रेस उसके बैंक कार्ड पर जो लिखा हुआ, उसका बैंक स्टेटमेंट पर जो उसका लिखा हुआ एड्रेस आता है वो उसका बिलिंग एड्रेस होता है, और शिपिंग एड्रेस वो एड्रेस है जो वो खुद हाथ से एंटर करेगा। ये इन दोनों का फ़र्क है। तो आप इसको फोर्स भी कर सकते हैं, वैसे आप यही लगा लें, वरना इस पे लगा लें तो ये फोर्स करेगा। सेव चेंजेस अभी कर रहा हूँ, उसके बाद आ जाएगी शिपिंग क्लासेस हमारी। इस वक्त मैं वो कॉमर्स की वेबसाइट पर हूँ जहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट्स में से शिपिंग क्लासेस के बारे में एग्जांपल निकाली है कि इसमें क्या होता है। फ़र्ज़ करें एक शॉप है हमारे पास, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स हैं, बल्कि आइटम्स भी हैं हमारे पास, छोटे साइज़ के आइटम्स भी हैं, मुख्तलिफ़ नेचर्स के आइटम हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारे बल्कि आइटम्स पर ज़्यादा पोस्टेज की या शिपिंग की कॉस्ट आ रही है, उसके मुकाबले में लाइट वेट आइटम्स जो हैं, जो कि छोटे आइटम्स होते हैं, उन पे कम कॉस्ट आ रही है, तो हम इनको क्लासेस में डिवाइड कर देंगे, इनकी कैटेगरीज बनाएंगे, इनकी क्लासेस बनाएंगे। तो उन क्लासेस को हम जब प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो उसकी शिपिंग क्लास वहाँ से लगा देते हैं, तो जब वो कार्ट में आइटम जाता है तो उस शिपिंग क्लास को जो हमने प्राइस दी हुई होती है, वो प्राइस उस प्रोडक्ट के साथ शिपिंग के तौर पर डिस्प्ले होती है। ये हम आगे चल के सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने क्लासेस बनानी है, तो हम दो बना रहे हैं फिल वक्त, एक हम बल्कि बना रहे हैं, दूसरी हम लाइट वेट बना रहे हैं। तो हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर वापस। हम शिपिंग क्लासेस में थे यहाँ तीसरे ऑप्शन पर, तो मैं पहली क्लास जो बनाऊँगा, हट नहीं रहा, पहली क्लास मेरी बनेगी बल्कि आइटम्स, बल्कि स्लग देना ज़रूरी होता है गूगल के लिए, ऐसी अच्छी हो जाती है। फॉर हैवियर आइटम्स रिक्वायरिंग मोर पोस्टेज, यही लिखूंगा मैं। अभी ये प्रोडक्ट काउंट ज़ीरो इसलिए है कि हमने तो प्रोडक्ट्स बनाए नहीं हुए, ये बताएगा कि कितने प्रोडक्ट्स शॉप के अंदर हैं जो कि बल्कि क्लास के अंदर आते हैं। इस वक्त ये खाली रहेगी, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, मैं सेकंड वन बना रहा हूँ जो कि लाइट वेट होगा। लाइट वेट, कॉपी पेस्ट,
तरह से लिख देंगे, सेव कर देंगे। दो बना चुका हूँ। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं दो प्रोडक्ट्स बनाए थे, एक को बल्की करूँगा, एक को मैं लाइट वेट करूँगा। मैं वापस जा रहा हूँ अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, ऑल प्रोडक्ट्स। ये मेरा शायद सेव नहीं है, नहीं ये सेव्ड है, लीव ही करूँगा। अगर नहीं तो मैं वापस यहाँ से चला जाता हूँ, डब्ल्यू से प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स। मैं अपने प्रोडक्ट वन को एडिट करता हूँ। अच्छा, डाउन जाता हूँ, ये शिपिंग है, यहाँ जाता हूँ, शिपिंग क्लास है। फ़र्ज करें ये पहला वाला मेरा बल्की था, भी बल्की कॉस्ट मैंने शायद नहीं सेट की हुई, मैं देखता हूँ क्या होता है। ऐड इसको कर लेता हूँ, प्रोडक्ट अपडेट हो चुका, सेकंड प्रोडक्ट पर जा रहा हूँ, एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद शिपिंग में जाऊँगा, शिपिंग क्लास, इसकी मैं लाइट वेट लगा कर इसको भी सेव कर दूँगा। ये मैंने हटाने थे, हटा नहीं सका, कैटेगरी मैंने कोई एक रखनी थी। फिल वक्त इसको जाने देते हैं, हम शॉप को विज़िट करते हैं अपनी, इसके लिए हम विज़िट वेबसाइट करते हैं, शॉप में जाते हैं। बल्कि हम ऑलरेडी हमने कार्ट में आइटम्स रखे हुए हैं, हम कार्ट को विज़िट कर लेते हैं, ऑलरेडी ये कार्ट में थे। तो एक आइटम था, तो सेकंड आइटम हम अभी ऐड करते हैं कार्ट में। उसके लिए हम शॉप में जाते हैं, सेकंड वन को भी हम ऐड टू कार्ट करते हैं, व्यू कार्ट करते हैं। अभी क्या होगा, ये आ गया ना 25, 20+5। अब वो मेरा जो लगा हुआ फार्मूला भी काम कर रहा है, जो क्योंकि पहले मेरे ने शायद गलती से, उस वक्त भी दो ही आइटम्स थे इसके अंदर, लेकिन अभी प्रॉपरली मेरी सब चीज़ें काम कर रही हैं। आप देखें, एक आइटम के ऊपर मेरी ये जो रिफ्रेश हुआ ना पेज मेरा, 25 बता रहा है, 20+5 की, ये मुझे 25 चेक करना पड़ेगा, 20+5 नहीं होना चाहिए। शॉप पे जाते हैं, पहला आइटम ऐड करते हैं, व्यू कार्ट करते हैं दोबारा से, 25 हुई हुई है ये। ये मैं चेक कर लूँगा ये क्यों है, ये मैंने 20 लिखी थी अंदर, चेक कर लूँगा। दूसरा आइटम में ऐड करने जा रहा हूँ, शिपिंग क्लास जो नहीं बनाई है उसको भी हमने अभी प्राइस देनी है। शिपिंग क्लासेस की कॉस्ट को सेट करने के लिए हम जाएंगे शिपिंग के अंदर, वहाँ से शिपिंग जोन्स, और जो शिपिंग मेथड्स में हमारा फ्लैट रेट का था उसको हम एडिट करेंगे। यहाँ हमारे पास बता रहा है जो हमने दो नए बनाए हैं, एक बल्की है, एक लाइट वेट है, एक नो शिपिंग क्लास है। तो पहले यहाँ मैंने 5 लिखा था, अभी इसको मैंने 10 किया है। टोटल कॉस्ट जो थी इनिशियल DHL की 20 थी, लेकिन कोई आइटम अगर बल्की है उसको अगर हम प्रोडक्ट बनाते वक्त क्लास दे देते हैं बल्की, तो उसके $10 एक्स्ट्रा हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैंने जानबूझकर खाली छोड़ा है लाइट वेट को, कि ये उसी उन्हीं पैसों में जाएगी, लाइट वेट जाएगी हमारी 20 में ही, और जो बल्की है वो 30 में जाएगी। और अगर दो बल्की हैं तो क्या होगा, सेव करें। आप आए यहाँ,
ये मैंने रिफ्रेश किया हुआ था, पेज को ज़रा रिफ्रेश करते हैं। 20 के साथ 10 ऐड हुए हैं पहले आइटम के साथ। एक काम करते हैं, हम एक आइटम डिलीट करते हैं। अब एक ही आइटम है जो कि हमारा बल्कि आइटम है। 20 के साथ 10 ऐड हुए तो 30 बन गया। और अगर मैं क्वांटिटी 2 करता हूँ तो अपडेट कार्ट, अब आप एजेक्स को देखेंगे। एजेक्स क्या होता है? विदाउट पेज रिफ्रेश आपका सेक्शन पूरे का पूरा, ये वाला सेक्शन आपका अपडेट हो गया। इसमें आपको ये $40 बता दिए इसने। 20 के साथ 10 प्लस 10, ये दो क्वांटिटी। अब मैं थर्ड वन ऐड करूँगा तो ये 50 होना चाहिए। ये काम कर रहा है। अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ सेकंड प्रोडक्ट, जिसके ऊपर सिर्फ 20 कॉस्ट थी, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं थी क्योंकि वो लाइट वेट था। तो मैं शॉप में जाऊँगा, इसको ऐड टू कार्ट करूँगा। मैं व्यू करूँगा अपना कार्ट, तो प्राइस वही है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि शिपिंग क्लासेस के ऊपर हम किस तरह से उनके रेट्स को सेट करते हैं। ये इस तरह से आएगा ना। तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं लेक्चर में आगे। ये सारा शिपिंग आपका क्लियर हो चुका। नेक्स्ट पे आ जाती है पेमेंट की बारी। अब पेमेंट की टाइप्स होती हैं वो कॉमर्स के अंदर। ये बाय डिफ़ॉल्ट बैंक ट्रांसफ़र भी होता है। जैसे आप अगर देखें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो कहती हैं हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से बैंक अकाउंट नंबर लें और उस बैंक अकाउंट में अपनी फीस सबमिट करने के बाद आप हमें ईमेल कर दें अपनी रिसीट। ये उस तरह से बैंक ट्रांसफ़र, ये उसकी एक मिसाल दी है मैंने। चेक पेमेंट्स भी होती हैं, अक्सर लोग चेक पेमेंट्स भी ले लेते हैं ऑफिसेस। कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान में दराज पीके पे चलता है अक्सर। वो सामान भेज देते हैं तो डिलीवरी मैन ही आपसे पैसे ले जाता है। पेपाल स्टैंडर्ड जो है, ये हर किसी का होता है। जो आम पेपाल का अकाउंट है उसको पेपाल स्टैंडर्ड कहते हैं। अगर आपके पास पेपाल का अकाउंट है या आपके क्लाइंट ने बनाया हुआ है तो आप इनेबल करेंगे। आपने यहाँ सेटअप में सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस देना है, इसमें कोई डिटेलिंग नहीं होती। यहाँ उसका पेपाल ईमेल एड्रेस देंगे, ये टेक्स्ट आप रिप्लेस कर देंगे पे विद पेपाल, जो मर्जी यहाँ लिख दें, ये हो जाता है। तो ये सैंड बॉक्स क्या है? पेपाल सैंड बॉक्स डिवेलपर्स के लिए टेस्टिंग के अकाउंट्स होते हैं कि जब वो काम कर रहे होते हैं तो सैंडबॉक्स अकाउंट में उनको कुछ फर्जी रकम दी जाती है, वर्चुअल मनी जिसको कहते हैं। उस वर्चुअल मनी से वो ट्रांजैक्शन करते हैं, अपनी वेबसाइट को प्रॉपर टेस्ट करते हैं, अपने क्लाइंट को वेबसाइट टेस्ट करवाते हैं। वो हकीकत में पैसे नहीं होते लेकिन वो फर्जी होते हैं। ये सैंडबॉक्स अकाउंट हम बनाना सीखेंगे आगे चल के, और उसको हम टेस्ट भी करेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये आ गया। अभी मैं जाता हूँ बैक पेमेंट्स के अंदर ही। मुझे ज़रा बैक जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने पेपाल लगा दिया था। फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस दिखा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आपका क्लाइंट आपको कहता है कि मैं इंडिया में हूँ, मुझे इंडिया के पेमेंट गेटवे ऐड करने हैं अपने वेबसाइट पे। तो आप उससे पूछेंगे कौन सा गेटवे ऐड करना है। तो आप रिसर्च करेंगे तो उसका वर्डप्रेस प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उसका ऑप्शन आपके पास यहाँ आ जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें पेटीएम से वो पैसे लेना चाहता है, अगर उनका बना बनाया है आ जाएगा। पाकिस्तान में अगर इजी पैसा जैस कैश है तो उनका प्लगइन आप उनसे ले लेंगे, उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ लगा देंगे। फिर उसमें उसकी एपीआई कीज भी वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। रिक्वायरमेंट्स जब आप फुलफ़िल करेंगे तो वो लग जाता है। इंटरनेशनली टू चेकआउट एक कंपनी है इस तरह से, और स्ट्राइप एक कंपनी है, काफ़ी हैं। तो उनके साथ बिज़नेस को रजिस्टर करना पड़ता है। बिज़नेस रजिस्टर करने से पहले उसकी वेबसाइट रेडी होनी ज़रूरी है। तो ये पेमेंट्स है। पेमेंट्स को हम मज़ीद आगे देखेंगे अगले लेक्चर्स में। फ़िलहाल हम ओवरव्यू ले रहे हैं बाकी चार टैब्स का। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी सेटिंग्स, गेस्ट चेकआउट ये होना चाहिए, अलाउ कस्टमर्स लॉग इन ड्यूरिंग चेकआउट। फ़र्ज़ करें एक बंदा वेबसाइट का रिटर्निंग कस्टमर है जिसका
पहले से अकाउंट बना हुआ है और वो परचेजेस कर रहा है, और उसको वेबसाइट चेकआउट पेज पे ही ऑप्शन दे दे कि एजेक्स वहाँ हमारे एक्टिव हो जाए कि उसका डाटा लॉस ना हो, वहीं पे वो एक्टिव करके लॉग इन करके अपना अकाउंट तो वो परचेजेस मुकम्मल कर ले। ये भी होना चाहिए, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज। ये बाद में बताता हूँ, पहले माई अकाउंट पेज को विजिट करवाऊँगा। When creating an account, automatically generate username and password. ये आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से कौन से ऑप्शंस रखते हैं ये आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी आपका क्लाइंट आपको लिख के देगा, वो आपने यहाँ पेस्ट करनी है बेसिकली, चाहे तो रजिस्ट्रेशन पेज पे जो आती है रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है, ये चेकआउट की प्राइवेसी है, ये क्लाइंट आपको लिख कर दे देगा पॉलिसीज। तो अगर आप आगे इसको फ़िलहाल आप सेव करें, आपने रजिस्ट्रेशन पेज विज़िट करना है, माय अकाउंट पेज मैं आपको विज़िट करवाता हूँ। मुझे लॉग आउट करके देखना पड़ेगा, इस पे अभी सिर्फ मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं इस पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकूँ तो मुझे यहाँ से एक ऑप्शन लगाना पड़ेगा, क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज, सेव हो जाएगा। सच एन एक्सपायर्ड, मैंने लॉग आउट किया था, ये नहीं चलेगा। अब मुझे यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, WooCommerce में सेटिंग्स में, देन अकाउंट एंड प्राइवेसी, ये ऑप्शन लगा दूंगा, सेव चेंजेस। अब इस का रिफ्लेक्शन देखने के लिए मुझे लॉग आउट करना पड़ता है। जल्दी से मैं जाऊंगा माय अकाउंट पेज पर, अब ये रजिस्ट्रेशन आ गया। अब मैं इसको मज़ीद खूबसूरत भी बना सकता हूँ, इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, वो हम आगे चल के सीखेंगे। मज़ीद सेटिंग्स हम देख लेते हैं अकाउंट एंड प्राइवेसी में। यहाँ हमारे पास एक सेटिंग आ जाती है अकाउंट इरेजर रिक्वेस्ट में, रिमूव पर्सनल डाटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट। जब किसी ने आपके पास ऑर्डर दिया है तो उसका पर्सनल डाटा, जैसे कि उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस वगैरह, उसकी बैंकिंग डिटेल्स अगर आपके पास हैं और वो रिक्वेस्ट करता है अकाउंट अपना डिलीट करते वक्त के, मेरा रिमूव कर दो, तो ये लगाने से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा उसका डाटा, पर्सनल डाटा रिमूवल। अब जब वो अकाउंट अपना डिलीट करेगा उस तरह से, अलाउ पर्सनल डाटा टू बी रिमूव्ड इन बल्क फ्रॉम ऑर्डर्स, इकट्ठे एक ही बार ये डिलीट हो जाया करेंगे, लोगों का डाटा आप सेफ नहीं रखेंगे अपने पास ये लगाने से। फिलहाल सेव करते हैं चेंजेस, आगे चलते हैं ईमेल्स। ईमेल्स में WooCommerce को हमने बताना है कि कौन सा ईमेल किस रेसिपिएंट को भेजना है आपने, यानी कि जब न्यू ऑर्डर प्लेस होगा तो उसका रेसिपिएंट वेबसाइट का एडमिन होगा, ऑर्डर कैंसिल होने की सूरत में और ये भी एडमिन को मिलेगा, ऑर्डर फेल होने की सूरत में भी एडमिन, ऑर्डर ऑन होल्ड जब कस्टमर ने की पेमेंट, अब उसके बैंक कार्ड में मसला है किसी किस्म का, या उसकी पेमेंट क्लियर नहीं हो रही, ज़्यादा दिन ले रही है, ऑर्डर ऑन होल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो वो कस्टमर को जाएगा। प्रोसेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर अभी आया, कम से कम 24 घंटे तो हम प्रोसेस करते ही हैं या कुछ घंटे, वो प्रोसेसिंग का जो ईमेल है उसको जाएगा। कंप्लीटेड ऑर्डर वो है कि जब हमने डिस्पैच कर दिया, कंप्लीट करके रवाना कर दिया, तो ये वो है। रिफंडेड ऑर्डर्स, जब वो रिफंड मांगेगा और हम रिफंड उसका प्रोसेस कर देंगे तो ये उसको जाएगा। कस्टमर नोट, जब कस्टमर के लिए हम नोट लिखेंगे अपनी तरफ से, इनवॉइस हम जब हम करेंगे तो उसको जाएगा। ये उस तरह से है, न्यू अकाउंट जब बनेगा उसका तो ये वो है, ये रीसेट पासवर्ड है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब ईमेल जो जाएगा ये उसका टेम्पलेट है, ये उसका कुछ क्राइटेरिया है, ये मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ आपको।
नेम क्या आ जाएगा आपकी वेबसाइट का या आपकी कंपनी का, या आप लिखते हैं किस ईमेल एड्रेस से जाएगा, वो लिखते हैं हेडर इमेज, यूआरएल ऑफ द इमेज यू वांट टू शो इन द ईमेल हेडर। ईमेल के टॉप पर जो हेडर होता है उसमें क्या इमेज जाएगी, उस इमेज की यूआरएल आपने यहाँ डालनी है, लिंक, फुटर टेक्स्ट। जब नीचे टेक्स्ट ईमेल जाएगा उसके एंड पे फुटर जाएगा, वेबसाइट का नाम ये खुद से उठाएगा। ये आप कर लें प्राउडली पावर्ड बाय, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ प्राउडली पावर्ड बाय, इसके अंदर मसिन शेख आप ऐसे कर लें, फॉर एग्जांपल सेव कर लें। ये आपकी होगी ईमेल्स की सेटिंग्स। अब इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन में आपको मिसाल दूंगा इसकी, अपने क्लाइंट की लाइव वेबसाइट के ऊपर से, तब आ जाके आपको प्रॉपर समझ आएगी। हमने शुरू में जियो लोकेट को डिस्कस किया था, क्लाइंट्स लोकेशन टू जियो लोकेट। तब मैंने आपको बताया था कि जियो लोकेट को एक्टिवेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन वाले टैब पर जाएंगे, वहाँ से ये इसका प्रोसेस होगा। तो जब यहाँ से जियो लोकेट लगा दिया, अब क्लाइंट की जो लोकेशन है वो वेबसाइट को कैसे पता चलेगी, उसके लिए मैक्स माइंड एक वेबसाइट है, उस पर जाना पड़ता है। वहाँ से हम फ्री का अकाउंट बनाते हैं, फ्री का अकाउंट बनाने पर हमें 25 उस पर मिल जाती है लाइसेंस कीज, यानी कि 25 वेबसाइट्स पे आप इसको चला सकते हैं आराम से। और अब मैं आपको मैक्स माइंड की वेबसाइट पर तो नहीं लेके जा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसकी लाइसेंस की कैसी होती है और वो कहाँ कैसे लगती है। हम क्लाइंट की वेबसाइट विज़िट कर लेते हैं। हम इस वक्त मेरे क्लाइंट की वेबसाइट पर हैं। आप देख सकते हैं मैक्स माइंड की मैंने यहाँ पर उसकी डाली हुई है। ये उसका फाइल का पाथ है, जो फाइल मैक्स माइंड की तरफ से खुद ही लग जाती है ना, ये मैंने हाइड कर दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन ये सिर्फ की मैक्स माइंड हमें देता है, वो हमें पेस्ट करके सेव चेंजेस करने होते हैं। आगे लेक्चर्स में हम मैक्स माइंड को कवर कर लेंगे कि मैक्स माइंड की कैसे हम बनाते हैं, और उसमें हम बेसिकली एक जीमेल एड्रेस के साथ जाते हैं, वेबसाइट की जो ये प्रॉपर्टी है, जो ये वेबसाइट है इसकी हम डिटेल्स वहाँ डालते हैं, तो वो हमारे लिए एक बाय डिफ़ॉल्ट एक की बनाता है। उस तरह से हम 25 प्रॉपर्टीज़ के लिए बना सकते हैं 25 कीज़ एक ईमेल एड्रेस से। सिंपल बात ही है, मैक्स माइंड की वेबसाइट पे आप यहाँ से क्लिक करेंगे पहुँचा देगा आपको। नेक्स्ट आते हैं हम एडवांस्ड सेटिंग्स में। एडवांस्ड में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेज सेटअप। इस पूरी लिस्ट में हम अपने WooCommerce प्लगइन को बता रहे होते हैं कि कौन सा पेज क्या काम करेगा, यानी कि कार्ट पेज क्या करेगा, उस तरह से पेमेंट ऐड का मेथड क्या होगा, ये सारी चीज़ें ये इस तरह से हो जाती हैं। लॉग आउट पेज जो है वो कस्टमर को लॉग आउट करेगा, लॉस पासवर्ड वाला वो उसका पासवर्ड रिकवर करेगा, ये बेसिक सेटिंग्स हैं इसकी। आगे जाते हो REST API क्या होता है। REST API एक्चुअली ये बहुत लंबा टॉपिक है जो कि हम अभी कवर नहीं कर रहे, वेब हुक्स भी नहीं कर रहे, लेगेसी API भी नहीं कर रहे। इसके बारे में आपको बिल्कुल मुख्तसर बता देता हूँ, एक मिसाल देता हूँ कि फ़ूड डिलीवरी कंपनी है जिसकी वेबसाइट है, जहाँ पर कस्टमर ने ऑर्डर दिया, फूड डिस्पैच हो गया, डिलीवरी बॉय को दे दिया, डिलीवरी बॉय के पास एक गैजेट है या उसके मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अब वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा है उसकी लोकेशन अगर कस्टमर ट्रैक करना चाहे या शॉप पर उसका स्टाफ ट्रैक करना चाहे, तो उसके मोबाइल की जो ऐप है वो उसकी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड है, जो लाइव टाइम उसकी रियल टाइम में उसकी लोकेशन दे रही है। तो वो सारा प्रोसेस कैसे चलता है, वो चलता है REST API से। उसके लिए REST API बनाना पड़ता है, और REST API की जो की होती है वो यहाँ पे इंटीग्रेट होती है, इसको कहते हैं REST API इंटीग्रेशन टू WooCommerce। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है जो कि अभी कवर हम नहीं कर रहे इसमें।
वेबहुक्स भी इस तरह से आगे आ जाएंगे। तो अब हम जाते हैं जोन प्राइसिंग में। इसमें बेसिक सेटिंग्स हैं, प्राइस बेस्ड ऑन कस्टमर बिलिंग कंट्री, ये चीज़ें आप अपनी सेटिंग्स देख सकते हैं इसमें से कौन सी आपने लगानी है। वूकॉमर्स का आपका टॉपिक कवर हो चुका है एंड प्राइसिंग जोन्स रह गया। ये मैंने यूरो जोन बताया था, ये मैं अभी इस वक्त हूँ अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे। एक्चुअली अगर मैं होता यहाँ, यहाँ पे वो ऑप्शंस नहीं थे एडवांस के बाद, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं, उन प्लगइन्स की वजह से ये भी आ रहा है एक्स्ट्रा ऑप्शन। इसको भी छोड़ दें आप, यहाँ तक रहें जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आते हैं। तो ये वूकॉमर्स की सेटिंग्स आपकी मुकम्मल हो गया टॉपिक आपका। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम वूकॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट्स बनाने सीखेंगे, वेरिएबल प्रोडक्ट्स एंड सिंपल प्रोडक्ट्स। यहाँ पर इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच।